भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों सभी को, करते हैं अपने आज के स्टैटिक जीके पोर्शन को, 10 मिनट की वीडियो। ठीक है, अपन लोगों ने स्टार्ट किया था रिपोर्ट्स का कंसेप्ट, वर्ल्ड बैंक का कल मैं आपको बता चुका हूँ, और अब अपना बसता है एक और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट्स के ऊपर आ सकता है। तो यार पहले सीखो, और जब सीख लेते हो तो उसको टेस्ट कराया करो 9:30 बजे। तो लाइव टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके चैंपियंस है, रेलवे, एसएससी, डिफेंस सब कुछ आ जाएगा इसमें। बस आप जीके की अगर टेस्ट करना चाहते हो तो आप लाइव टेस्ट में रात को 9:30 बजे जुड़ सकते हो। आपको क्या करना है, रात को 8 बजे जुड़ना है और 9:30 बजे जुड़ना है। जूके वी दमन सर यूट्यूब पर सर्च करेगा, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। चलिए करते हैं सेशन स्टार्ट। फ्री क्लासेस सुबह 9 बजे होती हैं दोस्त हमेशा, तो होंगी अमनदीप शर्मा। आप अन अकेडमी में जब आप सर्च करते हो तो आपको अन अकेडमी प्रोफाइल मिलेगा, अमनदीप शर्मा फॉलो करिएगा। फॉलो करते ही आपको जो जो क्लासेस है उसे नोटिफाई कर लीजिएगा, 9 AM पे ये क्लास होगी। ठीक है, दिमाग रखिएगा। आप अन अकेडमी का लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिलेगा, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोफाइल है अपना अमनदीप शर्मा, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज किस लिए बेनिफिशियल हैं, जैसे जब आप कंटेंट पढ़ते हो, क्वेश्चन, डाउट सेशन सब आपको एक जगह मिलता है, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है वो सब कुछ। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप अगर तैयारी करना चाहते हो ना एक जगह, तो आप रेफर कोड यूज़ करो लाइव अमन, डिस्काउंट है। डिस्काउंट इज इम्पोर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको चीज़ एक जगह मिल रही है, बहुत बेनिफिट करेगी। कॉस्ट मार्जिनल है, कॉस्ट देख लो इसकी क्या है कोर्स की। ठीक है, बहुत कम कोर्स है, 500 रुपये पर मंथ पड़ता है, वो भी सभी सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ इसमें 500 रुपये पर मंथ। इट इज़ वे मोर लेस देन एनी क्लास, एनी कोर्स। ठीक है, दिमाग रखिएगा। बेनिफिट क्या है, कंप्लीट कोर्स एग्जैक्टली 6:30 बजे मिलते हैं, कोर्स जीके करंट अफेयर। आपको मेन टैब पे क्लिक करके गेट स्पेसिफिक क्लिक करना है, मंथ सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज़ करना है लाइव अमन। ठीक है, आपके लिए गोल्स अवेलेबल है, एसएससी है, बैंक, रेलवे, डिफेंस सब कुछ। ठीक है, जिसमें भी आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट। ठीक है, अपना इम्पोर्टेंट क्या है, रिपोर्ट्स में हमें ना टू द पॉइंट पढ़ना है। अब अपन लोग ने कल वर्ल्ड बैंक को पढ़ लिया था, वर्ल्ड बैंक में मैंने कहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद आपको लिविंग इंडेक्स हो गया, लिविंग इंडेक्स में हेल्थ आ जाएगा, हेल्थ में प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आ जाएगी, ये सब कुछ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हो गया। चलो ठीक है, इसको अभी स्किप करो। आज हम फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। किस पे, आज हम सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे फोकस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैं, उसके अलावा जो भी होगा उसको स्किप कर देंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ेंगे, जितनी भी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को उसका एक आइडिया देखते हैं कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक यार, देखो पहली बात ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ना एक ना पूरा ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ कराता है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, सब कुछ कराता है। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ कराने वाली चीज़ जो है उसमें देख लेते हैं क्या क्या कराता है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सब कुछ कराता है। तो आपके सामने 3-4 वर्ड देखेगा, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन। ठीक है, कॉम्पिटिशन चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, दिमाग रखिएगा, कंपटीशन चाहे किसी भी चीज़ का हो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करा रहा है। ठीक है, दिमाग रखेगा, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, लैंग्वेज, समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एनवायरनमेंट। आप देख रहे हो मतलब कितना क्या बोलते हैं होलिस्टिक कह सकते हैं ना, वाइब्रेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट्स, वाइब्रेंट है सारे के सारे, हर एक अलग चीज़ जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करा रहा है। कैपिटल, डेवलपमेंट, जेंडर, टुमारो कंज्यूमर्स के ऊपर आ गया, ठीक है, कंज्यूमर्स के ऊपर आ गया, ठीक है, ग्लोबल रिस्क के ऊपर आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो वाइब्रेंट है बहुत ज़्यादा। तो यार वाइब्रेंट चीज़ें जितनी भी होंगी ना वो सारी की सारी किससे हैं, सोशल। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो ना, ये सब कुछ सोशल डेवलपमेंट जो गोल है ना, SDG जो है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में SDG जो है, SDG 2030, ये सब कुछ इसी से रिलेटेड है, A to Z चीज़ें। तो यार याद रखिएगा, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रैवल और टूरिज्म रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के द्वारा दी जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। ग्लोबल कॉम्पिटिशन रिपोर्ट जो है, कॉम्पिटिशन जब भी वर्ड आए तो यार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आंसर लगा देना, मोस्ट प्रोबेबली सही रहेगा, कॉम्पिटिशन वर्ड जब भी आए। ठीक है, दिमाग रखिएगा, जब भी कंपटीशन वर्ड आए, ठीक है, ठीक है, दिमाग रखें, जब भी कंपटीशन वर्ड आए। ठीक है,
चलिए, और आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, आप इस चीज में ऑब्जर्व कर सकते हो, जहां पे भी परफॉर्मेंस वर्ड आ रहा है ना, परफॉर्मेंस वर्ड, वो भी सब कुछ क्या है, किससे रिलेटेड है। देखो दो परफॉर्मेंस के वर्ड आ रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है, दो कॉम्पिटिशन के वर्ड आ रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है। बाकी जो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ठीक है जी, दिमाग कर रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दिमाग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, रट लो इसको। तो भैया ग्लोबल जेंडर इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिमाग रखिए, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स पे क्वेश्चन आता है। मैं बार बार आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसका कुछ कारण है, अभी आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई ट्रिक नहीं भी दिखाई दे रही होगी ना, तब भी सब कुछ याद हो जाएगा, इसको मैं बताता हूँ कैसे याद होगा, ठीक। कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे, देखो इसको आप ऑब्जर्व करो भैया, कंज्यूमर रिस्क पे भी रह सकता है, ठीक है, दिमाग रखिए, कंज्यूमर रिस्क पे भी रह सकता है, तो यार यहाँ पे भी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आंसर आ रहा है। अब करते हैं इसी चीज को रिलेट, रिलेट करने से बेनिफिट क्या होगा, आपको ना चीजें याद रहेंगे। पहली चीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहली चीज, जहां पे भी वर्ड कंपटीशन आएगा ना, जहां पे भी वर्ड कंपटीशन आ रहा है, ठीक है, कंपटीशन वर्ड जहां पे भी आएगा वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, चाहे वो ट्रेवल टूरिज्म में हो, चाहे वो ट्रेवल टूरिज्म में हो, चाहे वो किसी भी तरीके इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन हो, ठीक है, तो आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही लगाना, आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगाना, पहली चीज। दूसरा, जहां पे भी वर्ड परफॉर्मेंस का आएगा ना, परफॉर्मेंस का, वहां पे भी आप आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही लगाना, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, क्या ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भैया, अगर आप ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हो, ग्लोबल जेंडर की बात कर रहे हो, तो उसमें एक चीज आती है, रिस्क भी आता है, ठीक है, दिमाग रखिए, रिस्क इंडेक्स, रिस्क इंडेक्स भी किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन चीजों को दो तीन बारी देख लोगे ना, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। टेक्नोलॉजी, कंपटीशन वाले वर्ड जो है, ठीक है, कंपटीशन वाले वर्ड जो है, ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस वाले दोनों वर्ड जो है इससे रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ें अलग से याद कर लो, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, रिस्क वाला क्वेश्चन जो आए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इस पर फोकस करा रहा हूँ। तो ये भी किससे है बच्चों, दिमाग रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही रिलेटेड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही रिलेटेड है। मुश्किल चीज़ें हैं, बार बार रिवाइज करोगे तभी याद होंगी, ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे तभी याद होगी, इसलिए मैं ये आधा घंटा नहीं पढ़ाता, सिर्फ 10 मिनट पढ़ाता हूँ। आज बस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे फोकस करो, आज आज में सब याद हो जाएगा इसका, ठीक है, दिमाग को रखेगा। बाकी जब आप सीख लो तो टेस्ट करने आ जाना, ठीक है, लाइव टेस्ट होता है, ठीक है, दिमाग रखेगा, लाइव टेस्ट होता है कितने बजे, 9:30 पे, ठीक है, दिमाग रखें, 9:30 पे आपको YouTube पे लाइव टेस्ट मिलता है। आपको बस क्या करना है, YouTube पे सर्च करना है जीके विद अमन सर, आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसका बेनिफिट क्या है लाइव टेस्ट का, एग्जैक्टली आओ लाइव टेस्ट में, तो आपको ना डेली क्विज वॉर भी मिलेगा, कोड मिलता है इसका, जब आपको इसका कोड मिलेगा ना, उसको आप अप्लाई करना, आपको रैंकिंग मिलेगी कोर्स में, ठीक है, आपको कॉइंस मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो कोर्स को लेने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा डेली क्विज वॉर फ्री हो रहा है, तो सुबह आप, रात को आप 9:30 जुड़िए, और मेरे कोर्सेज में भी जुड़िए यार, जितने बच्चे देख रहे हैं कोर्सेज में जुड़िए, अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करो अमनदीप शर्मा, अभी सुबह 9:00 क्लास भी होगी फ्री, तो आप अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करो अमनदीप शर्मा, और ये कोर्सेज जो 6:30 वाली कोर्सेज है इसे ज्वाइन करो, ठीक है। ये बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिट इसका बहुत सारा है। सबसे पहला बेनिफिट है ऑर्गेनिक, ठीक है, उसके अलावा सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट है। ऑर्गेनिक कंटेंट का मतलब जैसे अपन लोग सिलेक्शन ले चुके हैं तो उसी कंटेंट को यूज़ करने वाले हैं आपके इस कोर्स में। गोल आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, गोल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो इनमें से। गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करें, मंथ सिलेक्ट करें, और रेफर कोड जरूर यही लगाएं, लाइव अमन, ठीक है, ये मेरी तरफ से डिस्काउंट होगा, ठीक है, जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी आपकी कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन लगाओगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और तो भैया समझदार तो यही होगा जो आप कोड लगाओ और कॉस्ट को कम करो, ठीक है। चलिए, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मिलते हैं दोबारा।
ठीक है, कल दोबारा रिपोर्ट्स ही होंगी लेकिन रिपोर्ट अलग हो जाएंगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हो गया, ठीक है, अब जो बच गए हैं सारे एक साथ करा दूंगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सुबह 9 बजे मिलते हैं अनअकैडमी पे और उसके बाद रात को 9:30 बजे लाइव टेस्ट।